शहर में कोरोना के प्रकोप के चलते पूरे भारत में लॉकडाउन है, संचार बंदी है, तब प्रधानमंत्री द्वारा गरीब कल्याण अन्न योजना अंतर्गत अंत्योदय व प्राधान्य कुटुंब लाभार्थी परिवार इनको लाभ दिया जा रहा है। इसमें हिंगनघाट तहसील में कुल लाभार्थी 46,966 लोग अभी तक लाभ ले रहे थे। कुल कार्ड संख्या 47,509 इतनी है। आज तक 39,894 लोग ट्रांजेक्शन में है, जिसकी टक्केवारी 83% है। राज्य के 14 जिलों में किसान लाभार्थी योजना भी शुरू की गई है, जिसमें वर्धा जिले का भी सहभाग है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अन्न योजना अंतर्गत प्रति व्यक्ति 5 किलो चावल दिया जाने वाला है। यह योजना 3 माह तक चलने वाली है। पूरे 30 दिन तक इसे बांटा जाएगा। प्रति व्यक्ति 5 किलो चावल निःशुल्क दिया जाने वाला है। इसका वितरण राशन दुकान वाले से होने वाला है। इस बारे में सुहाग टोंग अन्न पुरोठा निरीक्षक से सीधी बातचीत की है, आइए देखते हैं। कल्याण अन्न योजने बद्दल, ही योजना अंत्योदय आणि प्राधान्य कुटुंब लाभार्थी या दोनच योजनेसाठी आहे आणि प्रति व्यक्ती तांदूळ मिळणार आहे। त्यामध्ये अंत्योदय असो की प्राधान्य कुटुंब लाभार्थी असो, या प्रत्येक व्यक्तीला प्रति व्यक्ती 5 किलो तांदूळ हा मोफत स्वरूपात मिळणार आहे। आणि प्रत्येक महिन्यात, म्हणजे एप्रिल महिन्याचं धान्य मिळेल, मे महिन्यात धान्य मिळेल, जून महिन्यात धान्य मिळेल, एकत्र कुठेही धान्य मिळणार नाही। 3 वेगवेगळ्या महिन्यात धान्य मिळणार आणि कुठलाही रास्तवा दुकानदार हा आपल्याकडून कुठलेही पैसे किंमत मागणी करत असेल, तर त्याबद्दल रीतसर तक्रारी पुरवठा विभागाकडे किंवा तर मान्य तहसीलदार साहेबांकडे करा। हिंगनघाट से इनबीसीएन न्यूज के लिए रवि एनोरकर की रिपोर्ट।